आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप शिव भक्त बन जाओगे, शिव प्रेमी हो जाओगे। तो चंचुला ने ब्राह्मण को आग्रह किया और शिव पुराण की कथा को श्रवण किया, उसके पाप नष्ट हो गए और मरने के बाद वो शिवलोक में चली गई। जब शिवलोक में गई तो वहां भगवान शिव और पार्वती ने उसका बड़ा आदर किया कि आइए आइए। पार्वती ने अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर के कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हें शिव पुराण प्रिय है और शिव पुराण सुनकर कि तुम्हारे सारे पापों का नाश हो गया है, अब तुम आज से मेरी सखी बनकर के मेरे साथ रहिए। अब सखी बनकर के रहने लगी। एक बार पार्वती के साथ चंचुला रह रही थी तो चंचुला बड़ी बहुत शांत भाव से बैठी थी, बड़ी चिंता में बैठी थी। तो पार्वती ने पूछा, देवी क्या बात है, हे सखी आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या कारण है, बोलो बताओ। चंचुला ने कहा कि आज मैं अपने पति के लिए विचार कर रही हूं कि हे महादेव, हे पार्वती, आप मेरे कष्ट का हरण करें। मैं जानना चाहती हूं कि मेरा वो पापी पति व्यभिचारी जो वैश्यागामी था वो कहां है, किस योनि में है, आप जरा बताइए। ध्यान लगा करके बताया कि वह एक हिमालय पर, वह एक हिमालय पर पिशाच योनि में अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है। जब ये बताया तो चंचला बहुत भयभीत हो गई, बहुत डर गई और कहा कि आप कुछ तो बताइए, अब मैं उसके उपचार के लिए करूं क्या, प्रेत योनि से जो मुक्ति उनको मिल जाए। तो महादेव ने कहा कि देवी तुम महाशिव पुराण की कथा को श्रवण करो, तुम्हारा पति उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी से कहा कि मेरी सखी पार्वती ने कहा कि मेरी सखी चंचुला, क्यों आप इसके पति की मोक्ष के लिए, पिशाच योनि से मुक्ति के लिए आप महाशिव पुराण का पठन कराइए, पाठन कराइए। तो नारद जी ने अपने मित्र तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु का जो मुख है वो घोड़े के जैसा है, उसको बुलाया और कहा कि जाओ इस देवी को आप लेकर के जाओ। गोकर्ण क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के आप शिव पुराण को श्रवण कराइए, इसके पति के लिए मुक्ति के लिए साधन करना है। तो तुम्बुरु के द्वारा चंचुला ने इस कथा को श्रवण किया और उसका जो पति था जिसका नाम था देवराज, वह पिशाच योनि से मुक्त हुआ और देव स्वरूप पा करके भगवान की, महादेव की धाम में आ गया और वो दोनों मुक्त हो गए। ये सिखाती है महाशिव पुराण कि अगर कोई पिशाच भी बन जाए, कोई प्रेत भी बन जाए, तो भगवान शिव की कथा सुनाने से वे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए पहले से अगर आप शिव पुराण सुनते रहोगे तो पिशाच नहीं बनोगे। पिशाच योनि से अगर छूटना है तो पहले से ही समाधान करते चलो, ना प्रेत बनोगे ना पिशाच बनोगे, महादेव की गढ़ों में शामिल हो जाओगे और वहीं आनंद से रहने लगोगे। हमें ये शिक्षा देती है शिव पुराण कि शिव 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 बोल प्यारे, तेरे पाप कटेंगे क्षण में सारे। कि उपमन्यु अति दीनहीन था, भूख प्यास से सदा लीन था। उपमन्यु को दूध पिलाने के लिए इंद्र स्वयं आए और अपने कन्न की उंगली से दूध निकाल के उपमन्यु को पालन किया गया था, पोषण किया गया था। आगे कथा आएगी बताएंगे। तो भगवान की कथा हम सबको
एक शिक्षा प्रदान करती है, भगवान की कथा प्रेत योनि से छुड़ाती है और भगवान की कथा हम सबको अमर बनाती है और यही कथा हम सबको मोक्ष प्रदान करती है। आइए हम इसी के साथ अपनी वाणी को आज विश्राम देंगे, क्योंकि समय का मुझे शिकायत मिली है कि आप लोगों की कि देर हो जाती है, हम लोगों को जाना होता है तो कहीं कहीं से लोग आते हैं सब दूर दूर से। आप सबके लिए मैं सबके साथ हूँ, लेकिन आप भी मेरा साथ दें तो ना। मैं तो ठीक यहाँ कितने बजे आया था, पहले 2:45 आ गया था ना, आज 2:30 बजे आ गया था मैं, और आप लोग आ रहे हो अब तक। कल से मैं लेट कर दूंगा, फिर देख लो आप। देखो अब सुरेश जी को बहुत चिंता है लेट होने की, शायद ये घर में रोटी बनाते होंगे जा करके, इसलिए इनको लगता है कि नहीं नहीं देर नहीं देर नहीं देर नहीं।